कैटेटोनिया क्या होता है, इसके बारे में काफ़ी सारी इंक्वायरीज हमें आती है। अभी अभी हमारे यहाँ हॉस्पिटल में एक पेशेंट एडमिट हुआ, करीब करीब 19 साल का लड़का है, और पिछले 10 दिनों से उसको प्रॉब्लम है, और एक कैटेटोनिया है। इसमें क्या होता है कि एकदम बहुत ज़्यादा इमोबिलिटी होती है, ऐसा आदमी ऐसा कड़क हो जाएगा, ज़्यादा हिलेगा नहीं, डुलेगा नहीं, ऐसा स्टैचू जैसा लगेगा, अनरेस्पॉन्सिव है, बातचीत नहीं करेगा, आंखें खुली रहेगी, और ऐसा ब्लैंक चेहरा, आंखें पूरी खुली है, नींद नहीं है। ये कैटेटोनिक स्टूपरस भी हो सकता है। स्टूपरस मतलब बिल्कुल ही अनरेस्पॉन्सिव है, और वो अनरेस्पॉन्सिव जो है उसमें फिर एक तो साइकेट्रिक डिसऑर्डर हो सकती है या फिर ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो सकती है। हम बात करेंगे कैटेटोनिक स्किजोफ्रेनिया की, कि जिसमें एक ये टाइप ऑफ स्किजोफ्रेनिया है कि जहाँ मोटर बिहेवियर एकदम डिस्टर्ब हो जाता है, बिल्कुल ही कम मूवमेंट है, इसमें कुछ भी आप दवाई दे दो कुछ फायदा होता नहीं है। तो इसमें आप दवाई देते हैं तो एंटीसाइकोटिक से बहुत ज़्यादा फायदा होता नहीं है। इसमें बेंजोडाइजेपिन्स, लोरेजिपाम जैसी दवाई काम में आती है, या फिर उसको इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी देते तो बहुत ज़्यादा फायदा होता है। मगर ईसीटी देना है, इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी, तो उसके पहले हमको देखना पड़ता है कि भाई उसके ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम है क्या। यदि ब्रेन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब सीटी स्कैन नॉर्मल है, या फिर ब्लड में प्रॉब्लम नहीं है, कोई मेटाबॉलिक चेंजेस नहीं है, शुगर, क्रिएटिनिन, बाद में लीवर फंक्शंस, ये सभी मतलब बाकी टेस्ट सब नॉर्मल है, और बाकी फिजिकली कुछ भी एबनॉर्मल नहीं है, और तभी भी ये स्टूपोरोज है, और स्टूपोरोज मतलब अनरेस्पॉन्सिव है, खाता नहीं, पीता नहीं, ब्लैडर पूरा भरा हुआ है, पेशाब करता नहीं, नली डालना पड़ता है, नली के पेशाब निकालना पड़ता है, लेटरिन दो दो तीन तीन चार चार दिन होती नहीं है, और ये वायलेंट नहीं होता, मारपीट नहीं करेगा, कुछ बात नहीं करेगा, चुपचाप निपचित पड़े रहेगा, जैसे लाइक ए डेड बॉडी, आंखें खुली है। तो ये जो है ये स्किजोफ्रेनिया का एक बिहेवियर हो सकता है, जिसको कैटेटोनिक स्किजोफ्रेनिया बोलते हैं, और जिसमें बेंजोडाइजेपिन्स और इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी हम देते हैं तो उससे फायदा होता है। क्या होता है कि ये बिहेवियर कभी कभी कुछ दवाइयों से भी होता है, और दवाई मतलब क्या होता है कि कभी कुछ प्रॉब्लम है मानसिक, उसको हेलोपेडॉल दवाई दे दिया, अब हेलोपेडॉल से भी कैटेटोनिया आ सकता है, रिजिडिटी आ सकती है, अब रिजिडिटी आगे करके और हेलोपेडॉल खिला रहे उसको, और मैंने ऐसे देखे कि 10-10 15-15 20-20 मिलीग्राम उसको हेलोपेडॉल चालू है और उससे कैटेटोनिया बढ़ता जा रहा है, रिजिडिटी बढ़ते जा रही है, बोले कैटेटोनिक स्किज़ोफ्रेनिया है। तो उसमें बेस्ट ये है कि एंटीसाइकोटिक जो दवाई दे रहे हैं उसके साथ साथ एंटी पार्किंसोनियन भी दवाई देना पड़ता है, एंटीकोलिनर्जिक, जिससे उसको ये मोटर बिहेवियर ठीक होने में फ़ायदा हो जाता है। इलेक्ट्रोकन्वल थेरेपी बेस्ट ट्रीटमेंट है, तो जितना जल्दी हो सके उतना हम यदि वो चालू करते हैं तो बहुत जल्दी फायदा हो जाता है, यदि ऑफकोर्स बेंजोडाइजेपिन्स, लोरेजेपाम काम नहीं करता है तो। थैंक यू वेरी मच। मानसिक रोगी तथा शराबी के व्यसनी, इनको बिना रिश्तेदार अकेले हम हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट को भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं।